नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की, जो कि कुछ लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और इन सब बॉडीज़ को छोड़ के, जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं इनको छोड़ के भी हमारे इंडिया में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ वर्क करती हैं और जो कि ऑथोराइज हैं अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट दी प्रिपरेशन ऑफ UPSC एंड अदर यू नो एग्जाम्स. सो फर्स्ट पॉइंट इज सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज आर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल बॉडीज. सो दीज बॉडीज आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग. ओके, सो वॉट डज कैग परफॉर्म? सो द कैग ऑफ इंडिया ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. एवरी गवर्नमेंट, वेदर इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, प्रिपेयर्स इट्स अकाउंट. ओके, सो इन दैट अकाउंट वो क्या शो करती हैं? वो अपना जो एलोकेट हुआ है मनी, एक्सपेंडिचर लिया गया है, वो प्रॉपरली यूटिलाइज है कि नहीं है. ठीक है, तो कैसे यूटिलाइज किया गया है, कहाँ कहाँ पे पैसा लगाया गया है, ठीक है, कितना पैसा टैक्स के द्वारा आया, ये सब चीज़ें, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स. ठीक, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं. तो इन सबको ऑडिट जो करता है वो कैग करता है कि जो पैसा आया है स्टेट्स के पास, जो दिया गया, एलोकेट किया गया, वो प्रॉपरली यूटिलाइज किया गया है कि नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स. ओके, सो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, ऑडिट्स करता है अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट बॉडी इज इलेक्शन कमीशन. दिस इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट बॉडी. दिस बॉडी ऑर्गनाइज और से कंडक्ट इलेक्शंस टू दी पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट के लिए और स्टेट के लिए और ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए, इन सब के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराती है इलेक्शन कमीशन. स्टेट के लिए, पार्लियामेंट के लिए और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिसेस के लिए. थर्ड इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट बॉडी इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर. दिस बॉडी वॉज सेटअप टू ऑर्गेनाइज द एग्जाम्स फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज, टॉप लेवल सेंट्रल सर्विसेज एंड टू गिव एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स. सो हमने इसमें तीन वर्क देखे. पहला रिक्रूटमेंट टू दी ऑल इंडिया सर्विसेज, सेकेंड पॉइंट इज रिक्रूटमेंट टू द सेंट्रल सर्विसेज एंड थर्ड पॉइंट इज अगर एडवाइस देनी होती प्रेसिडेंट को तो उसमें डिसिप्लिनरी मैटर्स में एडवाइस देने के लिए. फोर्थ इंपॉर्टेंट बॉडी इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है स्टेट के लिए जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, किसके एग्जाम्स? स्टेट सर्विसेज के. ठीक है, सेम हैड अगर हम कहें कि सेंट्रल में जो हम ऑल इंडिया सर्विसेज कह रहे हैं, वही स्टेट सर्विसेज के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट कराती है और एडवाइस करती है गवर्नर को टू इन डिसिप्लिनरी मैनर्स. ठीक है, मैटर्स जो रहते हैं डिसिप्लिनरी, उस केस के अंदर गवर्नर को एडवाइस देने का काम भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही करती है. सो ये बॉडीज थी कुछ इंडिपेंडेंट जो कि इंडिया में है. सो दीज अथॉरिटीज केयर द इंडिपेंडेंस ऑफ वर्किंग फ्रॉम वेरियस प्रोविजंस. लाइक अगर इनका इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का भी इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है, इन बॉडीज़ का भी इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है. तो इनके इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. इनको टेन्योर की एक सिक्योरिटी दी जाती है. सेकेंड, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस. कुछ कंडीशंस हैं फिक्स्ड सर्विस की, वो भी दी जाती हैं. ठीक है, और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो किसी और पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि वो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ऐसी बॉडीज़ के, दैट आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कंसोलिडेटेड फंड होता है, उस पर चार्ज होते हैं. ठीक है, सेम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केस के अंदर जो भी उनके एक्सपेंसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, इस वे में कि उनके एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं, ना कि कोई प्रदान करता है. ठीक, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव यू अवेलेबल सपोर्ट. वी आर हेयर टू सपोर्ट यू. ठीक, एंड वी आर हेयर टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट. सो स्टे अपडेट एंड स्टे ट्यून्ड.